नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर जगह जगह कार्यालय खुल गए। वहीं बिहार के दरभंगा जिला के समस्तीपुर लोकसभा के आनंदपुर में हायाघाट प्रतिनिधि द्वारा जो हमारे कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हैं सीताराम चौधरी, जिन्हें आनंदपुर के दुर्गानंद चौधरी द्वारा पाक चादर से सम्मानित किया जा रहा है। वहीं हमारे दरभंगा के जिला अध्यक्ष जयशंकर यादव को भी सम्मानित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो वहां के प्रतिनिधि हैं, जो मुकेश कुमार कांग्रेस जी के हैं, उन्होंने पाक चादर से सम्मानित कर सभी वहां कार्यालय का उद्घाटन किए। वहीं मौके पर प्रतिभा सिंह भी उपस्थित हैं। हमारे चैनल के माध्यम से देखें, जो जिला अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं रही सबर की, सभी लोग वहाँ पर मौजूद हैं और पाक चादर से सम्मानित कर रहे हैं। वहाँ के पूर्व बहेरी के जिला परिषद गीता देवी को भी पाक चादर से सम्मानित कर उन्हें सम्मानित किया गया। अब पूरी रिपोर्ट देखिए और हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर बताइए आखिर कौन बनेगा सांसद। देखिए पूरी रिपोर्ट, क्या कुछ कहते हैं, क्या इस बार समस्तीपुर लोकसभा से कौन बनेगा सांसद, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तरफ जदयू के मंत्री तो एक तरफ जदयू के दूसरे देखिए, अब देखना यह है कि आखिर कौन बनेंगे सांसद। देखिए पूरी रिपोर्ट और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जहां लोगों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है, लोग बड़ी संख्या से वहां पहुंचे हुए कार्यालय के उद्घाटन में, जहां पथौर के मुकेश कुमार भी पहुंच चुके हैं और अनेक मंत्रीगण जनतागण भी पहुंचे हुए हैं, जो कि देख सकते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से। और वहां के चांद जो कि प्रखंड अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहते हैं, देखिए पूरी रिपोर्ट। आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए समय कम में ही हमें काम ज्यादा करनी है और लमसम हम लोग पहले से ही तैयार हैं। और यहाँ हायाघाट विधानसभा में हम लोगों ने बूथ कमेटी पहले से ही बना चुके हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। आज कार्यालय का उद्घाटन भले ही आज हुआ हो, लेकिन कार्य हम लोगों का पूर्व से चल रहा है, तो निश्चित रूप से इस बार हम लोग जीतने का काम करेंगे। उदय शंकर यादव, राजद जिला अध्यक्ष, दरभंगा। निश्चित मिल पाएगा, उससे ज्यादा मिलेगा, निश्चित ज्यादा मिलेगा, इसलिए कि हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्षेत्र में इस बदलाव का हवा है। क्योंकि मोदी जी जुमलेबाज है, जुमला फेंकते हैं कोस कोस, मैंने डेग डेग पर कपड़ा बदले, कोस कोस पर वाणी और लाल किला से जुमला फेंके, यही है। ये कौन सा प्राणी, ये जुमलेबाज है, ये इनका काम। महिलाएं वोट करेंगे? निश्चित करेंगे। महिलाओं में तो मोदी का एक अलग मैजिक चल रहा है, वो जय मोदी तय मोदी वाला नारा चल रहा है। देखिए जय मोदी तय मोदी कुछ नहीं है, महिला के लिए क्या किया है मोदी जी, जो महिला उनके इसी महिला के इसी देश में मणिपुर में महिलाओं को नंगे नचाया गया है, जबकि डबल इंजन की सरकार थी, तो कहाँ थे मोदी जी? लेकिन आप तो मंगलसूत्र की बात भी तो कर रहे हैं कि मंगलसूत्र छीन करके कांग्रेस वाले ले जाएंगे। तो मंगलसूत्र की जो बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 25,000 का सोना था, आज जो मोदी जी के सरकार में 90,000 का सोना हो गया, चूंकि 75 से पार सोना हो गया, 85% मेकिंग चार्ज है, तो सोच लीजिए 90 पार सोना हो गया, तो मंगलसूत्र मोदी जी छीने की मंगलसूत्र कांग्रेस छीने, तो मंगलसूत्र मोदी जी छीन रहे महिला, कहाँ से गरीब महिला मोदी के राज में मंगलसूत्र पहनेगी, नहीं पहन सकती है। क्या महिलाओं को समझा पाएंगी? निश्चित समझा रहे हैं, घर घर जाके समझा रहे हैं कि मोदी के राज में आपका मंगलसूत्र छीना रहा है, क्योंकि 90,000 का सोना हो गया है, कांग्रेस के राज आएगा तो फिर से 25,000 का सोना होगा, कांग्रेस के राज आएगा तो 8,000 का महीना दिया जाएगा, कांग्रेस के राज आएगा तो बिजली फ्री में मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगा, कांग्रेस के राज आएगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, कांग्रेस के राज आएगा तो किसान का सम्मान मिलेगा, MSP पर दुगुना मिलेगा, कांग्रेस के सरकार आएगा तो जो आतंकवाद हिंदू मुस्लिम हुआ खत्म हो जाएगा, देश में अमन चैन होगा, जुमलेबाज से मुक्ति मिलेगा। आज देश में हंगर रिपोर्ट बताता है कि मेरा देश 111वां पोजीशन पर आ गया है। मोदी जी कहते हैं कि विश्व में हम डंका पीट रहे हैं, विश्व में डंका पिटा रहा है, यही तो डंका पिटा रहा है कि मेरा देश के जब मनमोहन सिंह जी सरकार छोड़े थे तो 17वां पोजीशन पर मेरा देश था, विकसित देश माना जाता था, इंडिया का डेवलप देश माना जाता था, और विकसित में मेरा देश चला गया है, और इन्हीं के राज में हंगर रिपोर्ट में पाकिस्तान से भी हम गरीब है, बांग्लादेश से भी गरीब है, तो मोदी जी क्या डंका पीट रहे हैं? मोदी जी तो जुमलेबाज है, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, दीप पर चंदा कहते हैं, गौ माता का पूजा कीजिए, गौ माता को कटवा के चंदा लेते हैं, कहते हैं कि हम
फ्री में हम सुइया दिए हैं देश में, कोरोना के सुई दिए हैं, यही कोरोना सुई में ब्रेन अटैक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, यही फिर देखिए ना मोदी जी फोटो तो निकाल लिए हम, जैसे पता चला कि ये धंधा चंदा लिए हैं और पूरा देश में जो हार्ट अटैक ब्रेन हेमरेज हो रहा है तो फोटो गायब हो गया मोदी जी के। मोदी जी देश के बेचने जा रहे हैं, जनता इस बार नहीं संभला तो देश बिक जाएगा, ये हिंदू मुस्लिम करके चंदा लो धंधा हो। आज यदि इलेक्ट्रिक बॉन्ड से नहीं पता चलता तो कैसे पता चलता कि देश में जो मोदी जी जितना तमाशा कर रहे हैं देश बेचने जा रहे हैं। यदि भाइयों बहनों से यही आग्रह करेंगे, माताओं से कहेंगे, युवाओं से कहेंगे, यदि आप लोग इस बार वोट नहीं किए कांग्रेस सरकार के, यदि फिर से दोबारा जुमलेबाज सरकार आ जाएगी तो वोट भी नहीं मिलने वाला है ना, देश में देश बचने वाला है, ये गिरवी रखा जाएगा। देखिए 14 प्रधानमंत्री 55,000 करोड़ के ही माने कर्ज था, आज मोदी जी के राज में 185,000 कर्ज हो गया है देश पर, या देश के बिकने के कगार पर है, या देश का अर्थव्यवस्था गलत में चल गया है, जीडीपी कितना खत्म हो गया है देश में, ये जुमलेबाज है, ये धोखेबाज है। एक कहावत है जुल जो है चश्मुद्दीन अंधा है, चश्मुद्दीन अंधा बना बहरा सुने दलील, चश्मुद्दीन अंधा बना बहरा सुने दलील, झूठे का है दबदबा, झूठे का है दबदबा, सच्चे हो रहे हैं जलील, सच्चे हो रहे हैं जलील, इन्हीं का इनका राज में सच्चा जलील हो रहा है। आ राहुल गांधी देश को आगे बढ़ाने हैं, यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़े लिखे हैं, उनको पप्पू कहा जा रहा है, और जो चौथा पास प्रधानमंत्री है उनके मीडिया के थ्रू उनको बढ़ा चढ़ा के बात पेश किया जा रहा है, ऐसा देश में तो हो रहा है। मेरा नाम गीता देवी हुआ, हम पूर्व के जिला पार्षद है, हायाघाट विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में थे अभी है।